इधर कुआं उधर खाई, आजा मेरे भाई। नहीं आऊंगा भागो। कब तक भागेगा? ग्रैनी दम है तो पकड़ के दिखाओ। लो दोस्तों, अब तो मैं बड़ी मेहनत से ग्रैनी के घर से 10-15 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। अब तो ग्रैनी मुझको बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगी। हे, ये रास्ता कैसा है और रास्ते में पेड़ कैसे गिर गया? जल्दी से इस पेड़ को हटा देता हूँ, कहीं ग्रैनी पिच्छू से आके मुझे पकड़ ना ले। ओ, ये कैसी आवाज है? मैं हूँ नौकर नफारियो, मुझसे बच के कहाँ जा रही हो? उड़ी बाबा, गाइस, ये मुझे कहाँ पर बंद कर दिया? ये कमरे में मुझे फिर से कैद कर लिया गया है और मुझको यहाँ से अभी एस्केप करना होगा। तो चलो बाहर। हे, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? गाइस, ये दरवाजा तो लॉक है। और ये क्या पड़ा है? दरवाजे की चाबी। चलो जल्दी से इसी चाबी से दरवाजे को खोल देते हैं। हा हा हा, मुझको कैद करने वाला कितना भोंदू इंसान है। ओ ग्रैनी, ग्रैनी तुम यहाँ कैसे आ गई? तुझे क्या लगा था मेरी कार लेके हो जाएगा फरार? अभी पड़ेगी तुझे मार। भागो दोस्तों, जल्दी से ग्रैनी से बच जाओ। वैसे मैं ग्रैनी के घर से कार लेकर भागा था, लेकिन यहाँ फिर से ग्रैनी। ओ, ये तो वही काला काला आदमी है। ज्यादा मत कर शोर, अभी बनाता हूँ तेरा मोर। उड़ी बाबा, गाइस, इन लोगों ने तो मुझे दोबारा से लाकर इसी कमरे में कैद कर दिया, लेकिन अब तो हम यहाँ से बच के चले ही जाएंगे। लेकिन गाइस, यहाँ तो ग्रैनी के अलावा एक काला चोर भी है। ओहो, ये क्या, यहाँ ग्रैनी फिर से आ गई? अरे वाह, गेम डेफिनेशन, तू जाग गया। आजा, तुझे डंडे का प्रसाद देती हूँ। आ डंडे गरमा गरम, खा डंडे गरमा गरम। नहीं ग्रैनी, मैं तुम्हारे यहाँ डंडे खाने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारे घर से एस्केप करने आया हूँ। लेकिन मुझे ये तो बताओ, तुम इस घर में कैसे आ गई? ओहो, मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी और उससे मैंने ये घर भी खरीद लिया, और बाकी के पैसे से एक डायमंड जो कि मैंने इस तिजोरी में रख दिया है। क्या, डायमंड इसी तिजोरी में है? तो चलो दोस्तों, इस डायमंड को जल्दी से उठा कर देखते हैं। ओए, डायमंड को वापस रख, मेरे डायमंड को हाथ मत लगा। ही, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसको तो मैं चाट भी लूंगा। चलो दोस्तों, जल्दी से भाग चले। ये ग्रैंडपा बुड्ढा कहाँ जा रहा है? और ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। चलो जल्दी से इसका पीछा करें। चले ले ले केले, एक मैं ले लूँ, एक तू ले ले मेरे केले। उड़ी पापा, गाइस, ये बुड्ढा ग्रैंडपा कहाँ गायब हो गया? अभी अभी तो हमारे सामने यहीं पर आया था। ये अदृश्य कैसे हो सकता है? और ये कैसा छेद है? लगता है यहाँ पर ग्रैंडपा अपना केला लगाते होंगे, लेकिन मैं तो ये डायमंड लगाऊंगा। लो गाइस, गेट खुल गया। और ये क्या, एक गेट से अंदर आए और यहाँ पर इतने सारे दरवाजे, लेकिन ये कैसे खुलेगा? इसके लिए तो हमें चाबी चाहिए। और लो दोस्तों, मैं चाबी ले आया। चलो अब जल्दी से अंदर। हो, ये कैसा कमरा है गाइस, ये तो बड़ा ही मस्त है। और ये कैसी गन पड़ी है, कॉस्मिक गन। वाओ गाइस, अब आएगा ना असली मजा, क्योंकि जब ग्रैनी के घर में हमको गन मिल जाती है, फिर तो हम सबका पट से हेडशॉट कर देती है। अब आ जाओ मेरे सामने, जिसमें भी है दम, अभी करूंगा बम चिक चिकी बम। उड़ी बाबा, गाइस, ग्रैनी तो कैंपिंग कर रही थी और उन्होंने तो फट से मेरा टपा टप कर दिया, लेकिन लो, हमने दोबारा से अपनी गन को उठा लिया है। अब हम किसी से भी नहीं कम। आ जाओ, जिसमें भी है दम। लो ग्रैंडपा, तुम यहाँ आ गए हो। चले ले ले केले। लो ग्रैंडपा, केले तो नहीं, आज तुमको मिलेगा इस गन का धमाका। गाइस, ग्रैंडपा तो इतनी ज्यादा खुश हो गए कि खुशी की वजह से जमीन पर ही लेट गए। तो चलो अब ग्रैनी का पता लगाया जाए। एक ही धमाके से दो दो शिकार, एक ग्रैनी और दूसरा ये कालू चोर। कोयला काला है, शैतानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, तुम तीजा में साला। ये क्या बात करता है यार? ओ तेरी की
गाइस, इस घर के लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये घर तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ा है। कब से घूम रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा। ओहो, ये कैसा टनल का गेट है। मुझको लगता है गाइस, ये यहाँ से एस्केप करने का रास्ता है, तो चलो इसको खोलते हैं। लो गाइस, ये तो खुल गया, मगर ये क्या है, बेसमेंट की चाबी। लेकिन ये कहाँ लगेगी, जल्दी से ग्रैनी से रास्ता पूछता हूँ। ओहो, इसमें सोचने की क्या बात है, बेस मतलब की जगह और मिंट मतलब की पुदीना। ओहो, पागल हो गई है ग्रैनी। दोस्तों, लगता है अब ग्रैनी का दिमाग ठीक हो जाएगा। अरे ग्रैनी, कहाँ जमीन पर लेटती जा रही हो, जल्दी से यहाँ से हटो। जल्दी वहाँ से हटो। आब्राकडाब्रा, और मैं चली। गाइस, ये ग्रैनी तो यहाँ से बिल्कुल गायब हो गई है, तो चलो हम जल्दी से इस चाबी को उठा के सही जगह पर ले चलते हैं। लेकिन गाइस, अब मैं इस बड़े से घर में बेसमेंट को कहाँ पर ढूंढूंगा। ओहो, ये रहा बेसमेंट, तो जल्दी से भागो भागो भागो। लो गाइस, ये रहा सामने दरवाजा और इस पर लगा है एक ताला, तो जल्दी से इसी चाबी से इसको खोल देते हैं। लो गाइस, ये तो खुल गया और ये रहा बाहर जाने का रास्ता, जल्दी से चलो। हे, यहाँ पर एक हैंडल नहीं है। गाइस, अब जल्दी से इस हैंडल को ढूंढना होगा। पता नहीं अब इस घर में ये हैंडल कहाँ पर मिलेगा, क्या करूं। हाँ, जल्दी से जाकर ग्रैनी से दोबारा पूछ लेता हूँ, मुझको पक्का पता है कि वो मुझको बता देगी। ग्रैनी ग्रैनी, क्या तुम्हारे घर में कोई हैंडल है? हाँ, है। आज मैं उससे चाउमीन खाऊंगी। क्या ग्रैनी, चाउमीन बनाई है तुमने? फिर तो मैं भी चाउमीन खाऊंगा। नहीं नहीं, अभी तो हैंडल को गर्म करने के लिए मैंने माइक्रोवेव में रखा है, चाउमीन बाद में बनाऊंगी। क्या हैंडल? हाँ गाइस, हम तो यहाँ पर हैंडल लेने ही आए थे, तो जल्दी से खोलो और हैंडल लेके फुर हो जाओ। ओके ग्रैनी, मैं ये हैंडल लेकर जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। तो गाइस, अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, तब तक आप भी वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि मुझको पता है आपको ये वीडियो देखकर मजा तो आ ही गया है। और लो, ये लगा दिया हैंडल, चलो भाग चले। ओहो, तुम लोग इतने सारे होके भी एक गेम डेफिनेशन को नहीं पकड़ पाए। ग्रैनी, उसको छोड़ो, लो केला खाओ। केला नहीं, गोली खाओ। और वो गेम डेफिनेशन फिर से बच के भाग गया। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, ये बीच वाली वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये एक